हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग पे बेस्ड जावा प्रोग्रामिंग की। सो जावा में हम स्ट्रिंग पे बेस्ड प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में देखने वाले हैं। अब ऐसे तो स्ट्रिंग पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स पॉसिबल हैं, बट यहाँ पे हम एक प्रोग्राम की बात करेंगे एंड उसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो या बेसिकली स्ट्रिंग का प्रोग्राम करते हो, सो वहाँ पे आपका एक क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आप उस प्रोग्राम को इजिली सॉल्व कर सको। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे भी और ऐसे वीडियोस देख सको। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड प्रिंट ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर्स सेपरेटेड बाय अ फुल स्टॉप। अब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है यहाँ पे। अब मान लो आपके पास एक सेंटेंस आया इस तरह का, दिस इज अ कैट। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें मान लो जितने भी आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इस सेंटेंस के सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है एंड उसको लिखना है, देन डॉट लगा देना है। फिर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है, उसको भी कैपिटल में लिखना है एंड डॉट लगा देना है। फिर नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखना है एंड उसको भी कैपिटल में लिख के आगे डॉट लगा देना है। फिर अगले वर्ड का नेक्स्ट लेटर आपको लेना है एंड वो भी कैपिटल में लिख के उसके आगे डॉट लगा देना है। सो इस तरह हमें कुछ वर्ड के इनिशियल्स को प्रिंट करना है। बेसिकली इनिशियल्स होते हैं, जब आप किसी का नाम लिखते हो सो आप नाम से क्या करते हो, आप हर एक के नाम का फर्स्ट लेटर लेके डॉट लगा के उसको कैपिटल्स में लिख देते हो। सो ये कुछ ऐसे ही प्रोग्राम है। सो अब इस प्रोग्राम को हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं जम करके करने लगेंगे। पहले तो आप इसको समझो कि यहाँ पे आपको करना क्या है एंड किस तरह करना है। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए, आप पहले तो प्रॉब्लम को समझो उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। सो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये ना होता, यहाँ पे क्या होता, योर स्कूल। सो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, सो यहाँ पे आपके इनिशियल्स क्या प्रिंट होते, वाई डॉट एस। सो ऐसे कुछ होता। सो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आपके पास हो, आपके पास कोई भी सेंटेंस हो सकता है, आपको उसके इनिशियल्स प्रिंट करने हैं। सो हम ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है एक्सेप्ट अ सेंटेंस, मींस यहाँ पे हमें ये सेंटेंस नहीं लेना है, हमें यूजर से एक नया सेंटेंस इनपुट कराना है। सो सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, अब जरूरी नहीं यूजर हमें यही वाला सेंटेंस दे, कोई भी सेंटेंस वो दे सकता है। अब इनपुट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है कि हमें इस सेंटेंस में से हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है, ये वाला कैरेक्टर एंड ये वाला एंड ये वाला। अब यहाँ एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, जरूरी नहीं यही सेंटेंस हो, वो कोई भी सेंटेंस हो सकता है। सो मान लो ऐसे कुछ करना था। सो हर वर्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एक स्पेस के बाद। सो जहां पे भी एक स्पेस आ रहा है, सो स्पेस के जस्ट बाद वाला कैरेक्टर आपका क्या है, वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज हर वर्ड के लिए आप देख सकते हो कि जब भी कोई स्पेस आ रहा है, स्पेस के जस्ट बाद वाला कैरेक्टर आपका क्या है, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर। बट ये चीज कहां के लिए पॉसिबल नहीं है, यहां के लिए, बिकॉज यहां पे कोई स्पेस नहीं है। सो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा हम इस स्ट्रिंग में क्या कर देंगे, एक स्पेस ऐड कर देंगे। सो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, स्टार्टिंग में हमने एक स्पेस ऐड कर दिया, ये हम प्रोग्राम में करेंगे, तो इस पे ध्यान देना। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दिस, फिर एक स्पेस इस, फिर एक स्पेस अ स्पेस कैट। अब स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस है, मैंने ब्लैंक बना दिया ताकि आपको समझ में आए स्पेसेस है। सो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये होने के बाद में नेक्स्ट वर्क हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्क ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि पूरी स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ पे स्पेसेस हैं। अब जहां जहां पे भी आपको स्पेसेस मिले, जैसे मान लो आपको जीरो पे स्पेस मिला, सो आप फर्स्ट वाला कैरेक्टर ले लो, देन आपको मान लो यहाँ किसी इंडेक्स पे स्पेस मिल रहा है, तब आप नेक्स्ट वाला कैरेक्टर ले लो, फिर चेक करो यहाँ पे स्पेस मिलेगा सो ये वाला कैरेक्टर ले लो, फिर यहाँ पे स्पेस मिलेगा तो ये वाला कैरेक्टर ले लो। और जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिले उसको कन्वर्ट करते जाओ, किसमें, कन्वर्ट इनटू कैपिटल, बिकॉज आपको कैरेक्टर निकालना तो है एंड साथ साथ वो कैरेक्टर निकाल के उसको कैपिटल में भी कन्वर्ट करना है। कैपिटल में कन्वर्ट करते जाओ, देन उसको ऐड करते जाओ एक स्ट्रिंग में। आपने क्या किया, एक कैरेक्टर निकालते गए एंड इसको ऐड करते गए फाइनल स्ट्रिंग में। देन लास्ट काम हमारा क्या हो जाएगा, आप उसी फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपने कैरेक्टर्स को निकाला, अब आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे हर कैरेक्टर के बाद एक फुल स्टॉप था। सो यहाँ पे कैरेक्टर के साथ साथ आप एक क्या, फुल स्टॉप भी ऐड करते जाओ फाइनल स्ट्रिंग में। सो ऐसे कुछ करना होगा हमें अपने फाइनल प्रोग्राम में। तो चलिए भी देखते हैं कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये प्रोग्राम पहले से बना के रखा था, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हमें यूजर से एक वर्ड या स्ट्रिंग इनपुट कराना था, वर्ड भी नहीं पूरा सेंटेंस इनपुट कराना था। सो हमने क्या किया, यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया अपने मेन फंक्शन के अंदर एंड हमने एक मैसेज दिया एंटर सेंटेंस एंड यूजर से हमने एक सेंटेंस इनपुट करा दिया,
इस लाइन तक हमने यूजर से एक सेंटेंस इनपुट करा लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि मान लो सेंटेंस में कहीं आगे या पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेस था, सो हमें उस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना था, सो हमने एक फंक्शन का यूज किया ट्रिम फंक्शन का, जो क्या करता है आगे या पीछे से कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर होते हैं तो उन्हें हटा देता है। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, अगर आपको नहीं करना है तो आप ये लाइन मिस भी कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, हमने क्या किया एक फाइनल स्ट्रिंग माना जिसमें हम अपना फाइनल इनिशियल्स वाला स्ट्रिंग या फिर शॉर्ट वाला स्ट्रिंग सेव करेंगे, सो हमने इसको ब्लैंक दे दिया स्टार्टिंग में। देन हमें क्या करना था, हमें अपनी एक्चुअल स्ट्रिंग में एक स्पेस शुरुआत में ऐड करना था, सो हमने इस लाइन पे क्या किया एस इज इक्वल टू स्पेस प्लस हमारा स्ट्रिंग, मीन्स जो भी स्ट्रिंग हमारा होगा उसके स्टार्टिंग में एक स्पेस या ब्लैंक स्पेस जुड़ जाएगा। फिर आते हैं अपने मेन वर्क पे, हमें क्या करना था पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवल करना था, देखना था कहाँ कहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं एंड स्पेस के जस्ट बाद वाला कैरेक्टर या जस्ट आगे वाला कैरेक्टर निकाल के अपनी फाइनल स्ट्रिंग में ऐड करना था। सो आप यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे मैंने एक लूप बनाया है जो कि चलेगा जीरो इंडेक्स से लेके स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स तक। सो लास्ट इंडेक्स आपका लेंथ से एक कम तक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन सिंबल का यूज किया। सो अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पूरे स्ट्रिंग में स्पेसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। सो उसके लिए मैंने एक कंडीशन लगाया यहाँ पे इफ एस डॉट कैरेट आई। अब कैरेट फंक्शन क्या करेगा, ये आई पोजीशन का आपको कैरेक्टर लाके दे देगा। अब स्ट्रिंग में हर पोजीशन के कैरेक्टर को आप चेक करो कि वो कैरेक्टर क्या स्पेस है, सो हमने वही चेक किया यहाँ पे इफ एस डॉट कैरेट आई इज डबल इक्वल्स टू स्पेस, क्या वो कैरेक्टर स्पेस है। एंड साथ साथ हम यहाँ ये भी चेक कर ले रहे हैं कि मान लो अगर आपका कोई कैरेक्टर स्पेस है तो क्या स्पेस के जस्ट आगे भी तो स्पेस नहीं है। उसके लिए हमने क्या लगा दिया एस डॉट कैरेट आई प्लस वन इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ठीक है। बेसिकली हम यही चेक कर रहे हैं कि वहां पे स्पेस है कि नहीं। इसके बाद अगर मान लो आपको स्पेस मिल जाता है, वहां पे स्पेस ब्लैंक स्पेस मिल जाता है, सो उसके जस्ट आगे वाला कैरेक्टर आपका क्या होगा, अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर। सो आपने क्या किया एफ इज इक्वल टू एफ प्लस, अपने फाइनल स्ट्रिंग में आप ऐड कराओगे क्या एस डॉट कैरेट आई, आप उस कैरेक्टर के आगे वाला कैरेक्टर निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया एस डॉट कैरेट आई एंड प्लस प्लस आई, मीन्स आई जिस पोजिशन पे आपका स्पेस मिल रहा था आपने उससे आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया एंड उस इंक्रीमेंटेड वाले यानी कि आगे वाले पोजीशन के कैरेक्टर को उठा के अपनी फाइनल स्ट्रिंग में सेव करा दिया। एंड यहाँ पे हमें एक और काम ये करना था कि हमें जो भी कैरेक्टर लेना था वो कैपिटल लेना था, मीन्स उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना था। सो हम यहाँ एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो कि है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। अब ये फंक्शन है जो किसी भी कैरेक्टर को स्मॉल केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया इस कैरेक्टर को एंड सेव कर दिया अपनी फाइनल स्ट्रिंग में। एंड साथ साथ हमें क्या करना था, हमें एक डॉट भी लगाना था, सो हमने प्लस एक फुल स्टॉप या डॉट ऐड कर दिया इसी फाइनल स्ट्रिंग में। सो ऐसे क्या होगा, हर वर्ड यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट होकर सेव होता जाएगा एंड साथ साथ उसके आगे डॉट लगता जाएगा। एंड इस तरह सारे जितने भी वर्ड्स आपके होंगे सबके इनिशियल्स आगे कहाँ सेव हो जाएंगे, आपकी फाइनल स्ट्रिंग में। अब लास्ट वर्क हमें क्या करना था, लास्ट वर्क हमें ये करना था कि हमें उस फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करना था, सो हमने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या रन कर रहा है कि नहीं। सो हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, इसके बाद इसको रन करेंगे। सो ये रन हो गया प्रोग्राम। अब हम अपना एग्जाम्पल वाले स्ट्रिंग देके देखते हैं, दिस इज अ कैट। सो गाइज ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम, अगर आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी कोई लेके देख सकते हैं। मान लो यहां पे मैं लिखता हूं योर स्कूल इज इन लखनऊ। सो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, सो यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहां पे देखिए आपके सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर एंड वो कैपिटल होके इस तरह कुछ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सो ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। तो गाइज ये था हमारा जावा प्रोग्राम जो क्या कर रहा था, इनिशियल्स को प्रिंट कर रहा था, मीन्स हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एंड साथ में आगे डॉट लगा के उसको प्रिंट कर रहा था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताना और साथ में हमें ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे भी और ऐसे नए वीडियोस देख सको और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि अभी हम न्यू वीडियो कोई पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।